गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लली अलार्ला ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये यहाँ का पार्किंग लॉट है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और बहुत सारे लोग हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं, तो देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाती हूँ आगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है और यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और बाकी बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है। तो चलते हैं आगे की तरफ और आगे दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैं फाइनली अंदर आ गई हूँ और यहाँ का अंदर का व्यू देख सकते हैं। हम बैटरी वाले गाड़ी में बैठ गए हैं और अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसे है। तो गाइस देखने में तो अच्छा था बट यहाँ पे मुझे केवल एक ही दिखाई दिया। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसा है और आगे दिखाती हूँ कि वहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पे मोर है जो कि मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, केवल अभी तक मैंने एक ही मोर देखा है और दो तीन ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि वो खाली हैं या बहुत कम मात्रा में यह जानवर है। लड़ रहे हैं ना भाई? सांबर सांबर ही रण सांबर लड़ाई कर। तो ये देख सकते हैं काफी बड़े हैं, इनको सांबर हिरन कहा जाता है लेकिन ये काफी बड़े हैं और हरकतें इनके तो हिरन जैसे नहीं, सांडो जैसी है। लड़ाई कर रहे हैं दोनों आपस में। हिरन है जो काफी मात्रा में है तो देख सकते हैं काफी अच्छा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण मृगा हिरण है जो कि बहुत अधिक मात्रा में, मैंने सिर्फ हिरण को ही देखा है, बाकी जानवर तो मुझे बस एक दो ही दिखाई दिए। देख सकते हैं काफी है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम भालू ढूंढने जा रहे हैं तो मुझे बताया है कि राइट साइड में भालू है, तो देखती हूँ वहाँ पे भालू कितना है और दिखाती हूँ आप सभी को। काफी सुंदर जगह है। दिखाती हूँ हिमालय का काला भालू जो यहाँ पे फिलहाल रेस्ट कर रहा है और मुझे तो केवल एक ही दिखाई दिया और आगे देखते हैं। व्हाइट भालू भी तो होते हैं जो बर्फ में पाए जाते हैं। गाइस मैं अभी घूम घूम के थक गई हूँ और देखती हूँ आगे कुछ मिलता है या नहीं खाने के लिए, बट मुझे लगता है कि अंदर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ चेकिंग इतने हार्ड हो रही थी कि खाने का कुछ भी सामान नहीं लेके जा सकते थे। तो
बाहर निकल के खा सकती हूँ। तो दिखाते हूँ आगे क्या है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे चील है। कहने के लिए ये जगह है बारहसिंघा हिरन के लिए, बट यहाँ पे हिरन के बजाय यहाँ पे बहुत सारे चील हैं। और दिखाती हूँ आगे क्या है। तो अभी हम चिड़ियाघर की तरफ आए हैं। यहाँ पे नीला पीला मकाऊ जो कि लाल हरा मकाऊ जो कि तो बहुत घूमने के बाद हमें दो प्यारे प्यारे हाथी दिखाई दिए। और देख सकते हैं जगह कैसा है। तो देख सकते हैं वहां पे दो तीन भेड़िया है और ज्यादा नहीं है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग दो है यहाँ पे, और आगे चलते हैं। तो बहुत सारे हिरन देखने के बाद अब हमें यहाँ दिखा है नील गाय। तो देख सकते हैं काफी दूर में है। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।